एकदम प्रोटीन पावर पैक नाश्ते के साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल कुकटू लियो में। मैं एक ऐसा नाश्ता लाई हूँ जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन की हमें बहुत जरूरत है। और दाल के चीले हैं, दाल से बनाए हमने बेसन की जगह, तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। दाल का चीला खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। और इसकी स्टफिंग मैंने पनीर से बनाई है और फिर इसको पोटली की तरह पेश किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप लोग बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। दाल के चीले बनाने के लिए हमने दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और देखिए अब ये कैसी फूल गई है। इसको हम मिक्सी में डालकर अदरक और मिर्ची के साथ पीस लेंगे। पैन में तेल गरम करेंगे, जीरा और हींग डालेंगे और करी पत्ते डाल देंगे। जीरा तड़कते ही बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और उनको भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद बारीक काट कर टमाटर भी डालेंगे। देखिए 2 पीस रह गए हैं, उनको मैं भी काट कर डाल देती हूँ। उसके बाद हम पनीर डाल देंगे। को आपस में मिक्स करके कुक करते हुए हल्दी, मिर्च और चाट मसाला डालेंगे। सबको मिक्स करेंगे, फिर नमक, चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के वापस से सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब धनिया पत्ती डाल देंगे। हमारी फिलिंग तैयार है। फिलिंग को हम थोड़ी ठंडी होने देंगे और अब हमारी जो पिसी हुई दाल है उसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, हल्दी और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हींग, हल्दी और थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे। चिल्ले का बैटर सेट हो जाने के बाद हम नॉनस्टिक तवे को गर्म करेंगे और ग्रीस करेंगे और बैटर को फैलाकर चीला बनाएंगे। चिल्ले का ये नाश्ता प्रोटीन पैक्ड नाश्ता है क्योंकि मूंग की दाल को इसमें हमने यूज किया है बेसन की जगह और अंदर से स्टफिंग में भी पनीर वगैरह है, सब्जियां हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। और फिर हमने इसको इनोवेटिव रूप में पेश कर दिया है तो ये इसकी सुंदरता और बढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, चाहे आप नाश्ते में खाएं या चाय के साथ, सब लोगों को ये पसंद आएगी। और बहुत ही इजी टू मेक है क्योंकि 3-4 घंटे दाल को भिगाओ, पीसो और फिर बना लो। चिल्ले हम लोग मूंग की धुली दाल से भी बना सकते हैं और छिलके वाली दाल से भी बना सकते हैं। सभी दालें हेल्दी रहती है। रूटीन में हम दाल खाते हैं रोज, उसकी जगह हम कभी चिल्ला बनाकर उस प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट चिल्ले के रूप में ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रोज दाल खाएं। तो इस तरह से वेरिएशन के लिए ही मैंने ये रेसिपी डाली है कि ठीक है, चिल्ले को आप पनीर का चिल्ला बनाए, प्रोटीन पैक फुल नाश्ता है। अब इसी तरह से हम अपने सारे चिल्लों को बनाकर एक तरफ से पक जाए तो फ्लिप करके दूसरी तरफ थोड़ा सा तेल डालकर कुक कर लेंगे और सभी चिल्लों को नीचे उतारेंगे और फिर फिलिंग डाल के हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। चीले के बीचों बीच सेंटर में हम फिलिंग को डालेंगे और सभी किनारों को उठाकर आपस में जोड़ते हुए पकड़ के स्प्रिंग अनियन की एक डंडी लेकर उससे बांध देंगे और हमारी पोटली बन जाएगी। इसी तरह से हम अपनी सभी पोटलियां तैयार कर लेंगे और धनिये की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, आनंद लें, खाएं और खिलाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और बेसन का चीला तो हम रोज ही खाते हैं, दाल के लिए जरा सा बस भिगाने की बात है और पीसने की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।